एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दी रेसिपी ऑफ चॉकलेट केक। ये बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। इसका केक स्पॉन्ज है वो सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार हो जाता है। मैं इसे विदाउट ओवन बना रही हूँ, तवा पे बना रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, यू कैन ट्राई। स्टार्टेड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू टच द बेल आइकन। यहाँ पर मैंने 14 इंच का पैन लिया हुआ है, यू कैन यूज़ द पैली ऑल्सो। बस इतना ध्यान रखिए उसका बॉटम है वो मोटा होना चाहिए। यहाँ पर मैं इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। इसमें मैं बटर पेपर ऐड करूँगी। बटर पेपर को जो भी आपका पैन है, द पैली है, उसके हिसाब से कट कर ले और उसे ऐड कर ले। इफ़ आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप मैदा डस्ट भी कर सकते हैं, इससे केक ईजीली डिमोल्ड हो जाता है। पर बोर्बन बिस्किट यूज़ कर रही हूँ, यू कैन यूज़ एनी। मैंने यहाँ पर 340 ग्राम बोर्बन बिस्किट लिया हुआ है, उसे अच्छे से मिक्सिंग जार में डालकर अच्छे से ब्लेंड करना है। फाइन पाउडर हमें बनाना है। यहाँ पर फाइन पाउडर बनके तैयार है, इसे हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। करेंगे मिल्क, ये 1.5 कप मिल्क है, रूम टेम्परेचर पर है। इसे हाफ हाफ करके ऐड करें, अच्छे से मिक्स करते रहना है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब इसमें मैं ऐड करूंगी इनो 2 पैकेट, इससे केक बहुत अच्छा फूलता है। इसमें मैं 1 टीस्पून मिल्क ऐड करूंगी, जिससे इनो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब हमें अच्छे से इसे मिक्स करते रहना है। यहाँ पर केक बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। अब इसे हम ग्रीस किए हुए पैन में ऐड करेंगे। अच्छे से एमली स्प्रेड होने देंगे। मैंने आयन तवा लिया हुआ है, यू कैन यूज़ एनी। इसे मैंने 10 मिनट प्रीहीट कर लिया है लो फ्लेम पर। इस पर मैं ऐड करूँगी मोल्ड और उसे कवर कर दूँगी और इसे लो मीडियम पर हम कुक करेंगे 45 to 50 मिनट्स पर। 50 मिनट हो चुकी है, हमारा केक है बनकर तैयार है। उसे चेक करने के लिए हम टूथपिक डालेंगे। यहाँ पर टूथपिक क्लीन है, मतलब हमारा जो केक है वो बनकर तैयार है। इसे हम कूलिंग रैक पर निकाल देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। इजीली निकल जाता है। हम बटर पेपर रिमूव करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा स्पॉन्ज वो परफेक्टली बेक हुआ है। इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। अब हम गनाश रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 कप डार्क चॉकलेट एंड 2/3 कप फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज़ डेरी मिल्क। 2/3 कप फ्रेश क्रीम इस पर ऐड करूँगी और मैं इसे माइक्रोवेव करूँगी 2 to 3 मिनट्स। आप लोगों के पास ओवन ना हो तो फर्स्ट आप फ्रेश क्रीम को गर्म करें, फिर उसे चॉकलेट पर पोर करें। यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो हमारा गनाज है वो बनकर तैयार है। हमारा केक भी रूम टेम्परेचर पर आ गया है, इस पर हम पोर करेंगे गनाज।
के थ्रू मैं एमली स्प्रेड कर रही हूँ। हमें केक को अच्छे से गना से कवर करना है। हमारा केक है वो अच्छे से कवर हो चुका है। मैं स्पैचुला की तरफ वन साइड से सेकेंड साइड ले जाकर जस्ट ऐसे डिज़ाइन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं गार्निश कर रही हूँ चॉप नट से। व्हिप क्रीम थ्रू मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हैप्पी बर्थडे। यू कैन यूज ऑल्सो मेल्टेड चॉकलेट्स, वाइट चॉकलेट। तो यहाँ पर हमारा केक है वो बनकर तैयार है। आप इसे फ्रिज में रख दें 5 to 10 minutes के लिए, फिर इसे सर्व करें। यहाँ पर हमारा केक है वो अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम कट करेंगे फिर सर्व करेंगे। सो गाइज दिस इज़ टू यम्मी केक। इफ़ आपको केक बनाना हो, बहुत जल्दी से बनाना हो, इंग्रेडिएंट्स कम है, सो मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।